हेलो फ्रेंड्स, कसौटी जिंदगी में आप देखेंगे कि जो प्रेरणा होती है वो वहाँ पे गोदाम में इधर उधर भागती होती है, जो गुंडे हैं उसका पीछा करते हुए होते हैं वो वहाँ से जंगल में भाग जाती है, उसकी मोम जो है मंदिर में पूजा करती हुई होती है मौलाए फैमिली में ही। तभी वहाँ पे मौलाए की वाइफ आती है अनुराग की, मोम कहती है बंद करो ये ड्रामा, क्यों ये घंटियाँ बजा रही हो, क्यों ये ड्रामा दिखा रही हो। तभी वहाँ पे मौलाए उसका हाथ पकड़ कर कमरे में ले जाता है और कहता है अगर तुमने जरा सी भी कोई प्रॉब्लम खड़ी करी या प्रेरणा के बारे में उल्टा फुल्टा बोला तो मैं अनुराग को सब कुछ जाकर सच बता दूंगा। तभी वो थोड़ा सा रोने लगती है और कहती है तुम अपने बेटे के भी नहीं हो, तुम्हें पता है अगर तुम उसे सच बताओगे तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, क्या तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्या तुम्हें अपनी बहू की भी नहीं है, जो बहू एक बच्चे की माँ बनने वाली है तुम उस पर इस तरह का वो कर रही हो, और वो उसकी माँ प्रेरित तो कर रही है भगवान के सामने, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ चाहे तुम उससे नफरत करो चाहे कुछ, मैं अनुराग को सब कुछ सच बता दूंगा अगर तुमने प्रेरणा के खिलाफ कुछ भी बोला। उधर जो प्रेरणा होती है वो जंगल में भागती भी होती है, वो कहती है भगवान मेरी हेल्प करो। तभी वहां पे एक सांप आ जाता है और गुंडों को मतलब थोड़ा सा डरा देता है, तो इतने वो वहां से भाग जाती है। तो गुंडे जो है वो इधर उधर भागते रहते हैं, वो अनुराग जैसे ही बोलता है प्रेरणा, तो प्रेरणा को फील होता है कि अनुराग ने मुझे आवाज लगाई। तभी वो सोचती है अनुराग कहाँ जंगल में आएगा। तभी वहां पे अनुराग और विराज भी जंगल में भागते हुए होते हैं लेकिन वो प्रेरणा तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो सोनालिका होती है वो गोदाम में पहुंचती है और कहती है जग्गा जग्गा रौनक रौनक, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। वो सोचती है हो सकता है प्रेरणा की बॉडी को दफनाने गए हो, प्रेरणा को तब तक उन्होंने मार भी दिया होगा। तभी वहां पे वो गुंडे आ जाते हैं और सोनालिका से कहते हैं कि मैम हम उसे नहीं मार पाए, वो जंगल में पता ही नहीं कहाँ भाग गई, हमने जंगल का चप्पा चप्पा देखा लेकिन वो हमें नहीं मिली। तभी सोनालिका को गुस्सा आ जाता है और वो जग्गा के थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारे से एक काम भी नहीं हुआ, मुझे वो चाहिए कहीं भी हो के, मैम हमने सारा चप्पा छान लिया वो नहीं मिली, वो के मैंने कहा ना मुझे वो चाहिए, अगर वो मुझे नहीं मिली तो तुम नहीं बचोगे। उधर अनुराग जो है वो विराज को घर छोड़ देता है, कहता है तुम थक गए होंगे अब तुम जाओ क्योंकि प्रेरणा तो मिली नहीं, वो कहते क्या तुम भी घर जाओगे, तो अनुराग कुछ नहीं बोलता बस हाँ सा कर देता है और गाड़ी लेकर चल देता है। उधर विराज कहता है मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे प्रेरणा को ढूंढना है, हो सकता है अनुराग थक गए हो लेकिन मैं नहीं थका, वो भी गाड़ी लेकर चल देता है। और उधर अनुराग भी होता है वो भी अकेले प्रेरणा को ढूंढने के लिए निकल गया है। उधर प्रेरणा जो है एक कस्बे से में पहुंचती है और वहां पे मतलब दरवाजे खटखटाती है, कोई दरवाजा नहीं खोलता है, उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है, तब वो बहुत तेज तेज दरवाजा खटखटाती है और एक दरवाजे के सामने वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी एक औरत दरवाजा खोलती है और कहती है अरे ये तो प्रेग्नेंट औरत है और इसके तो पेन हो रहा होगा। तभी वो उसे अपनी नौकरानी से कहती है इसको अंदर लेके आओ, वो उसे अंदर लेके आती है और वो उसे कुछ जड़ी बूटी सुंगाती है तो प्रेरणा को होश आ जाता है। तभी उसका हस्बैंड आता है जो मतलब वहाँ की लेडी होती है हकीम, तो वो कहती है देखो ना इसके पीछे लगता है कोई गुंडे पड़े हैं, इसका बच्चा भी अंदर परेशान हो रहा है, ये एक माँ बनने वाली है। तभी वो अपने गुंडों मतलब अपने रखवालों से कहता है वो आदमी कि तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कोई भी गुंडा अंदर आना नहीं चाहिए, समझे। तो तभी वो मतलब उसकी सेफ्टी के लिए वहां पे खड़े हो जाते हैं। प्रेरणा एकदम कहती है होश में आती कि आप मुझे फोन दे सकती है, मुझे एक फोन करना है। ये सुनते ही वो लेडी थोड़ा डर जाती है, जो जेंट्स होता है वो भी थोड़ा डर जाता है। वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि प्रेरणा जो है दोबारे गुंडों के मतलब दोबारे उन्होंने पकड़ लिया है और वो एक पहाड़ी पे ले आए हैं और सोनाली का कह रही है कि तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, अब मैं तुम्हें इसी पहाड़ी पे से धक्का दूंगी। वो उसके हाथ रस्सी में बांध देती है और जग्गा जो है उसे जैसे ही धक्का देता हुआ है, जो सोनाली का होती है वो दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अनुराग देख लेता है कि प्रेरणा को कोई रस्सी बांधकर पहाड़ी से धक्का दे रहा है, तो वो एकदम अनुराग को देख लेती है और कहती है अनु। जैसे ही अनुराग उसके पास भागता है जग्गा एकदम उसे पहाड़ी से धक्का दे देता है और प्रेरणा नीचे गिर जाती है, हर सिर्फ यही बोलती है अनु। जैसे ही वो अनु बोलती है तो अनुराग को याद आता है वो भी ऐसे ही पहाड़ी यानी कि पुल पे से गिरा था। वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की जानकारी लेने के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब।